हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ विल्स मेयर हाक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और इस रिएक्शन का नाम से विल्स मेयर हाक रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फॉर्माइलेशन ऑफ एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक फिनोलिक ईथर्स एंड डाई एल्काइल एनिलिन इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस विल डाई सब्सटीट्यूटेड फॉर्मामाइड एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इज कॉल्ड विल्स मेयर और विल्स मेयर हाक रिएक्शन। इस रिएक्शन में दोस्तों हम और एरोमेटिक कंपाउंड्स का फॉर्माइलेशन करते हैं, जैसे कि फिनोलिक ईथर हो गया या डाई एल्काइल एनिलिन हो गया, और उनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर किसके साथ डाई सब्सटीट्यूटेड फॉर्मामाइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ करते हैं, और यही रिएक्शन विल्स मेयर और विल्स मेयर हाक रिएक्शन कहलाती है। फ्रेंड्स नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ विल्स मेयर हाक रिएक्शन। दोस्तों अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। फिनोलिक ईथर रिएक्ट विद फॉर्मामाइड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोराइल क्लोराइड, देन वी गेट ऑर्थोपोजिशन फिनोलिक ईथर, देन वी गेट फिनोलिक ईथर्स इन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। दोस्तों इस रिएक्शन को विल्स मेयर हाक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे विल्स मेयर हाक रिएक्शंस के मैकेनिज्म के बारे में। दोस्तों अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें, विल्स मेयर हाक रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में अगर देखा जाए, तो फॉर्मामाइड जब फॉस्फोराइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तब वो इमीनियम आयन देता है, जो बाद में क्लोरो इमीनियम आयन में कन्वर्ट होता है। तो ये थी दोस्तों विल्स मेयर हाक रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।